हाय गाइस, आज हम लोग बात करेंगे पांच बेस्ट एप्लीकेशन एंड वेबसाइट के बारे में। दिस मींस आपको यहां पर 3 वेबसाइट एंड 2 एंड्रॉइड एप्लीकेशन के बारे में जानने को मिलेगा, जो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड करेगा। एंड ये जो 3 वेबसाइट है, ये आप मोबाइल पे ही एक्सेस कर सकते हो। एंड आप लोग सब कुछ जानोगे अगर वीडियो को एंड तक देखते हो तो। एंड एंड तक देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो पहला यहाँ पर एक वेबसाइट है। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो और कुछ ऐसे टाइप का लोग हो जिनको बहुत सारा पीडीएफ बनाना पड़ती है, पीडीएफ को स्कैन करना पड़ती है, उन लोगों के लिए ये वेबसाइट लाइफ में कुछ ना कुछ काम जरूर आने वाली है। तो यहाँ पर वेबसाइट का जो नाम है वो है onlinecamscanner.com। यहाँ पर सिंपली आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लिया, सर्च कर लिया onlinecamscanner.com। अब इस वाले वेबसाइट पे आ जाओगे, पहले वाले लिंक पे अगर क्लिक करोगे तो ये वाले इंटरफेस पे आप आ जाओगे। एकदम क्लीन इंटरफेस है। नीचे जो आधा स्क्रॉल दिख रही है उस पर नजर डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं डेडिकेटेड वीडियो यहाँ पर डाल दूंगा, बट हम लोगों को क्या पीडीएफ लेकर काम है। तो आपको ऊपर कैमरा एंड गैलरी पे ध्यान देनी है। कैमरा इज मीन आपको यहाँ पर कैमरा, ये जो कैमरा ऑप्शन है यहाँ पर आपको कैमरा ओपन हो जाएगा। एंड आप जो देखो गैलरी, अगर आपके पास बहुत सारे फोटोज हैं वो आपको अगर पीडीएफ बनानी है तो आप गैलरी पे जाके फोटोज चूज कर सकते हो, राइट। बहुत ईजी है। यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो कैमरा है वो ऑन हो चुके है, आपको क्लिक कर देनी है। यहाँ पर जो फोटो है वो क्लिक हो चुका है, यानी आपको जो क्लिक करनी है वो डॉक्यूमेंट स्कैन करोगे, राइट। तो आपको डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देनी है ऐसे ठीक ठाक करके रख के, उसके बाद टिक पे क्लिक कर देनी है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो आपको क्रॉप का भी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर है रोटेट का ऑप्शन, उसके बाद यहाँ पर एडजस्ट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है, उसके बाद जूम। एंड ये अगर टैप करोगे तो एकदम पूरा ले लेगा। एंड आप मैनुअली भी आप जो डॉक्यूमेंट का इमेज है वो क्रॉप कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट क्रॉप पे क्लिक कर देनी है। तो यहाँ पर जो इमेज है वो थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट सा हो गया है, तो आपको सिंपली इफेक्ट पे क्लिक करनी है। आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ओरिजिनल पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो ये ओरिजिनल हो जाएगा, पूरा आपको डॉक्यूमेंट जो है वो ओरिजिनल जैसे कैप्चर हुए ऐसे हो जाएगा सिंपली। उसके बाद आप एडिट करने के बाद सिंपली आपको जानी है डाउनलोड पे क्लिक कर देनी है। डाउनलोड पे क्लिक करने में 3 ऑप्शन है, तो हम लोगों को पीडीएफ बनानी है। आप पीडीएफ पे क्लिक कर दोगे तो ये जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर मेरा स्टोरेज नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा, तो अब ये जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। हाँ, और एक चीज गाइस यार देख सकते हो, यहाँ पर से आप जितना मर्जी हो सके ये जो ऑप्शन है ऐड, यहाँ पर से आप एक्स्ट्रा जो पेजेस है वो ऐड कर सकते हो। तो ये जो वेबसाइट है वो बहुत काम की चीज है, आप यहाँ पर ये जो वेबसाइट है और जरूर ट्राई कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट है एंड्रॉइड एप्लीकेशन। जो लोग मोबाइल से वीडियोस बनाते हैं और जो लोग अपने बच्चे की स्क्रीन को मोबाइल पे क्या कर रही है वो मॉनिटर करना चाहती है, उन लोगों की ये एप्लीकेशन जो है वो बहुत ही हेल्प करने वाली है। तो ये जो एप्लीकेशन का नाम है वो है ए पावर मिरर, बहुत ही फेमस एक एप्लीकेशन है। चलिए देख लेते हैं कैसे काम करती है। सपोज मान लो इन दोनों डिवाइस से इस डिवाइस का जो स्क्रीन है मुझे इस डिवाइस पे शो करनी है, पहले तो आपको दोनों डिवाइस पे ही ये जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा। उसके बाद ओपन कर लो, इसके बाद जिस फोन की स्क्रीन मैं देखना चाहूंगा उस फोन के हॉटस्पॉट को आपको ऑन कर लेना, एंड उस फोन के अंदर वो जो वाईफाई है वो कनेक्ट कर लेनी। इसके बाद यहाँ पर आप जो मिरर का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रही है उस पर अगर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर देख सकते हो उस वाले जो वाईफाई डिवाइस का नाम है यहाँ पर शो कर रही है। सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करनी है, एंड इसके बाद यहाँ पर जो स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आ रहा है इसको क्लिक कर देनी है। एंड बूम गाइस, अब देख सकते हो यहाँ पर ये जो जो इस फोन का जो स्क्रीन है यहाँ पर दिख रही है, इस फोन में जो जो काम हो रही है उस फोन के अंदर आपको दिख रही है, एंड वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी में। तो ये जो ऐप है वो स्क्रीन मॉनिटर करने के लिए बहुत ही अच्छा एक ऐप है, तो ये ऐप जरूर ट्राई करो, ये ऐप आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अब बढ़ते हैं एक वेबसाइट की तरफ। एक वेबसाइट ऐसी है, मैं पहले बता चुका हूँ, जिसको आप अगर पीसी या लैपटॉप पे यूज करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाली है, एंड आप इजी टू यूज कर सकते हो। तो आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना एंड सर्च कर लेना sodapdf.com, नाम देगा भाई गाइज, तो आप नाम सुन के पता लगा सकते हो। हाँ, ये एक पीडीएफ एडिटर है जहां पर आपको भरपूर एकदम कंप्लीट फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनलाइन टूल्स है,
इस पर क्लिक करने के बाद आप कुछ नया इंटरफेस पे आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स आप यहाँ पर देख सकते हो, पीडीएफ टू वर्ड, यूआरएल टू पीडीएफ, बट ये जो ऑप्शन देख रहे हो ये पेड ऑप्शन है। अगर आप पेड करते हो तब ये पीडीएफ टू वर्ड कर सकते हो, बट अगर इसके रिलेटेड भी आपको काम करनी है कि आपको बहुत सारा पीडीएफ जो वर्ड में शिफ्ट करना पड़ती है और पीडीएफ टू एक्सेल शिफ्ट करना पड़ती है, ऑल एक्सेल टू पीडीएफ, तो वीडियो ऑडियो पीडीएफ कन्वर्टर जैसे फीचर्स को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन ही एक्सेस कर सकते हो, वो भी फ्री। अब जरूर 123apps.com सर्च कर लेना, चले जाना, वहां पर आपको फ्रीली ये जो टूल्स है आपको एक्सेस मिलेगा। तो गाइस आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर ओपन का बटन है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आप अपने जो पीसी और लैपटॉप का फाइल है वहां पर चले जाओगे ना, आप यहां पर आपका जो पीडीएफ जो एडिट करना चाहते हो वो आप सिलेक्ट करके यहां पर अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद कुछ इस तरह के इंटरफेस पे आ जाओगे, आप जो इंटरफेस देख रहे हो इस तरह के इंटरफेस पे आ जाओगे तो अब देख सकते हो मेरा जो पीडीएफ है यहां पर अपलोड हो चुकी है। मेरा फ्रेंड का एक असाइनमेंट है तो भाई इसमें ध्यान मत देना, ठीक है। एक पीडीएफ एडिटर में जो जो फीचर्स होना चाहिए मुझे सब मिल रहा है एक ही वेबसाइट पे, यह पहला। सेकंड मैं एक चीज दिखाता हूँ, सपोज मान लो सेंजीवियर स्कूल्स, ठीक है, सेंजीवियर स्कूल के अंदर मुझे लिखना है सेंजीवियर हाई स्कूल, तो मैं ये चीज ध्यान रखा हूँ कि मैं पूरा टेक्स्ट को एडिट कर सकता हूँ, टेक्स्ट के अंदर मैं एडिट कर सकता हूँ, तो ये कुछ मैं ध्यान में रख के सोडा पीडीएफ को चुनी। अब दिखाता हूँ यहाँ पर अंडू कैसे काम करती है। सपोज मान लो मुझे यहाँ पर जो लिखनी है हाई, हाई मैंने लिख दिया, इसके बाद आपको बाहर क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पर देख सकते हो ये जो हाई वर्ड है वो ऐड हो चुकी है, एंड यहाँ पर आपको माउस को लेकर यहाँ पर जो कर्सर है अंडू का बटन है यहाँ पर आपको क्लिक करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप कंट्रोल जेड क्लिक कर दो एंड बूम यहाँ पर जो चेंज होके ये जो हाई मैंने ऐड किया था वो हट जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हो वो हट गई है। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे टूल आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, ई साइन, सिक्योर, एंड अगर मैं एडिट पे जाती हूँ आपको यहाँ पर जो एडिट का सब टेक्स्ट एडिट कर सकते हो, इंसर्ट इमेज भी इंसर्ट कर सकते हो, तो अगर बहुत सारे टूल मिल रहे हैं तो सोडा पीडीएफ को जरूर चेकआउट कर सकते हो एज अ बेस्ट पीडीएफ एडिटर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारा एक एप्लीकेशन की तरफ। ये जो एप्लीकेशन है उन लोगों को भाई बहुत पसंद आएगा जो लोग कस्टमाइजेशन बहुत पसंद करते हैं, एंड ये जो एप्लीकेशन है आपको वॉल्यूम बार जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से कस्टमाइज कर देती है। तो ये जो एप्लीकेशन का नाम है वो है वॉल्यूम स्टाइल। अब जाके गूगल प्ले स्टोर पे वॉल्यूम स्टाइल सर्च करो एंड इसको इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद अब जब ओपन करोगे यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक करनी है, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ये जो ऐप जो परमिशन चाहती है उसको आपको अलाउ कर देनी है। तो इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो जो स्टार्ट वाला बटन है वो स्टार्ट हो चुकी है एंड अब स्टॉप का बटन आ गया है। अब आते हैं नीचे, अब आएगा मजा। आप देख सकते हो यहाँ पर iOS 1 UI 3 जैसे वॉल्यूम स्टेटस बार आपको मिल रही है। मैं यहाँ पर iOS सिलेक्ट करती हूँ, ये जो iOS है वो सिलेक्ट हो चुकी है। मैं अब प्रेस करूंगा वॉल्यूम बटन, आप देख सकते हो पूरा iOS की तरह, इनकी एप्पल फोन की तरह मेरा जो वॉल्यूम बार है वो चेंज हो चुकी है। इसके बाद आप यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन, यहाँ पर कंट्रोल है एंड स्टाइल सेटिंग है, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं सॉलिड एंड ग्रेडियंट, ये भी आप खुद जाके तोड़फोड़ करो, मैं वीडियो शॉर्ट बनाना चाह रहा हूँ। तो ये जो ऐप है वो जरूर से ट्राई करना, ये जो ऐप है वो बहुत कमाल की होने वाली है, आपको जो वॉल्यूम बार है बहुत अच्छी तरीके से कस्टमाइज अब कर सकते हो। ओके गाइस आगे बढ़ते हैं हमारा एक नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। ये जो वेबसाइट है इसके अंदर आप एक साथ रिंगटोन एंड वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हो, वो भी बहुत सुंदर एंड हाई क्वालिटी पे। तो आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेनी है एंड सर्च करनी है z.net, यस आई एम टॉकिंग अबाउट z, ये एक फेमस वॉलपेपर एंड रिंगटोन डाउनलोडर वेबसाइट है जहां पर आपको वेबसाइट पे जाके आप खुद डाउनलोड कर सकते हो और अपने फोन के अंदर एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर और एक खास बात है कि आप अपने मनपसंद की जो गाना है वो भी सर्च कर सकते हो एंड उसका जो रिंगटोन है वो डाउनलोड कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर सर्च किया गोना फ्लाई नाउ, ठीक है गाइस, यहाँ पर देख सकते हो गोना फ्लाई नाउ का बहुत सारे ट्रैक आ गए हैं। तो एक गाने का बहुत सारे फेवरेट लाइन होती है, तो यहाँ पर अलग अलग फेवरेट लाइन को ये जो जेड है वो रिंगटोन बना के रखती है, तो जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो वेबसाइट है बहुत ही कमाल का एक वेबसाइट है, अब जाके जरूर ट्राई करना। तो मैंने बता दिया है कुछ ऐसे 3 वेबसाइट एंड 2 एंड्रॉइड एप्लीकेशन के बारे में, अब जरूर इन जो एप्लीकेशन है एंड वेबसाइट है जरूर ट्राई करो।
तो ये जो एप्लीकेशन एंड वेबसाइट है आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करने वाली है। वीडियो अगर एंड तक देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो एंड चैनल पे नया आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना एंड वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को बहुत सारा शेयर भी कर देना। मैं इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म करता हूँ, आप लोगों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जहाँ पे और भी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों के शेयर कर पाऊंगा आपके अपनी चैनल टेक्निकी सुमन पे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।